नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि जैक बोर्ड का रिजल्ट आप लोग किस प्रकार से मात्र एक क्लिक में आसानी से चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट चेक करने का 2 से 3 तरीके बताऊंगा। इनमें से कोई भी एक तरीका को फॉलो करके आप लोग आसानी से आप लोग अपने रिजल्ट को 2 सेकेंड में चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, इनमें से कोई भी एक तरीका को आपको फॉलो करना है और अपने रिजल्ट को आप लोग आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है और आपका जो आगे की क्लास की तैयारी है उसका भी इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे आसान तरीका यहाँ पे मैं आपको तीनों आसान तरीका बता रहा हूँ, कोई भी एक तरीका को फॉलो करके रिजल्ट को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे हम लोग पूरी प्रोसेस को जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर पाइएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे आसान तरीका के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से सबसे आसानी से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल पे गूगल को ओपन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे गूगल को ओपन कर लिया है। तो गूगल को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपको सर्च बॉक्स दिख रहा है, इस सर्च बॉक्स में आप सभी को सर्च करना है जैक रिजल्ट। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले सर्च किया हुआ था, इस वजह से मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जैक रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग टाइप कर लीजिए जैक रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी को दिख रहा होगा, झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची www.jackresults.com। ये जो वेबसाइट है आपका जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है रिजल्ट जारी करने का, सबसे पहले इसी में आपका लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है जैक के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी ये सर्वर जाम हो जाता है। तो आगे मैं आपको और भी 2 तरीका बताऊंगा, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आगे जो 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए आप लोग, सिंपली इस पर जो आपका यहाँ पे झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी कि www.jackresults.com यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आप लोग सिंपली क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है झारखंड एकेडमी काउंसिल रांची। ठीक है, एग्जामिनेशन रिजल्ट यानी कोई भी किसी भी प्रकार का रिजल्ट हो इसी में जारी किया जाता है, यहाँ पे आपका लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2023 यानी कि 2023 के कोई भी एग्जाम का रिजल्ट हो, ये आपका यहाँ पे उसका लिंक यहाँ पे आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट ऑफ प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, ये जो आपका जारी किया गया है उसका। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ एनएमएमएस एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश 1/5/2023, इसका भी यहां पे आपका लिंक शो कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहां पे आपका कोई भी रिजल्ट का लिंक हो यहां पे आपका शो करता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका क्लास 10th अथवा क्लास 12th का रिजल्ट जारी किया जाता है यहाँ पे उसका लिंक शो करेगा। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि रिजल्ट तो जारी करे क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिंक हुआ क्लास 10 का है, कौन सा लिंक हुआ क्लास 12 का है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ दूसरा वर्ड देखने को मिलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए क्लास 10th वालों के लिए क्या लिखा हुआ रहेगा कि रिजल्ट्स ऑफ एनुअल सेकेंडरी यानी कि क्लास 10th को क्या कहा जाता है, क्लास 10th को कहा जाता है एनुअल सेकेंडरी। ठीक है, एनुअल सेकेंडरी कहा जाता है, तो एनुअल सेकेंडरी यहां पे आपका लिखा हुआ रहेगा। सेम टू सेम इसी प्रकार से रिजल्ट्स ऑफ एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 की जगह पे यहां पे आपका 2023 रहेगा, और यहां पे पब्लिश होना यानी कि जब रिजल्ट जारी होगा उसका डेट यहां पे। ठीक है, तो देखिए यहां पे और डेट लिखा हुआ रहेगा, तो सिंपली वो आपका यहां पे 2023 एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो इस पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा, यहां पे देखिए एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन यहां पे 2023 रहेगा। ठीक है, तो यहां पे सिंपली यहां पे देखिए आपका रोल कोड, तो एडमिट कार्ड निकालिएगा, रोल कोड आप लोग यहां पे अपना डालिएगा। ठीक है, नीचे यहां पे रोल नंबर, इस सेक्शन में आपको रोल नंबर यहां पे डाल लेना है। रोल नंबर डालने के बाद आपके यहां पे क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पे देखिए ये जो सबमिट वाला बटन दिख रहा है ना जी, तो इस सबमिट में यहां पे क्या करना है, इस पे यहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने यहां पे कुछ डाला नहीं, इस वजह से आ रहा है। ठीक है, डालिएगा, आपका रिजल्ट यहां पे आपके सामने शो कर देगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना नंबर आ रहा है, किस में पास है, कौन कोई फेल है,
फेल नहीं करोगे भाई, टेंशन मत लेना, हर कोई पास करेगा, लगभग 94% बच्चे पास करेंगे। कितना? 94 से 95%, जैक से बात हुआ था, 94 से 95% बच्चे पास करें। सीबीएसई में भी आपका 94% पास किए थे, ठीक है, तो लगभग वही आपका सेम टू सेम परसेंट झारखंड जैक बोर्ड में भी रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले तरीका देखें कि किस प्रकार से आप लोग अपने रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। देखिए, जैसे ही रिजल्ट आपका जारी होता है मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है इस वीडियो को आप लोग रिजल्ट जारी होने के बाद भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग पीसीएम विजन सर्च कीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं लाइव आता हूँ, तो लाइव हूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग कमेंट कीजिएगा अपना रोल नंबर, रोल कोड, मैं वहाँ से आपका रिजल्ट चेक कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये पहला तरीका हो गया। चलिए अब हम लोग दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। तो देखिए, रिजल्ट देखने का दूसरा सबसे आसान तरीका आपका क्या है, तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है, और ये जो सर्च बॉक्स आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है जैक, ठीक है, JAC, इस प्रकार से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड GOV, ठीक है। तो इस पर आपको ये जो इस प्रकार का आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे नेट स्लो है, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो आपका तुरंत ही लोडिंग ले लेगा। देखिए उसके बाद आपको किस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो वेबसाइट है आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट है। जब भी कुछ मटेरियल जारी किया जाता है, जैसे कि मॉडल पेपर हो गया, आ तो कोई भी किसी प्रकार का नोटिस हो गया, आ तो आपका रिजल्ट का लिंक हो गया, इसी में जारी किया जाता है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कोना में आप जो आपको तीन वो डॉट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, आपको यहां पे डेस्कटॉप साइट कर लेना है। इस प्रकार से आप लोग डेस्कटॉप साइट कर लीजिएगा, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और यहां पे देखिए जो आपका रिसेंट अनाउंसमेंट यहां पे लिखा हुआ है, इसमें देखिए यहां पे लिखा हुआ रहेगा आपका जैक रिजल्ट। देखिए यहां पे थोड़ा सा देखिए कहां पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर जैक एग्जाम रिजल्ट, ठीक है, न्यू। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और आप लोग फिर से उस रिजल्ट वाले पेज में पहुंच जाइएगा, जो जिस प्रकार से मैंने आपको पहले यहां पे दिखा चुका हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहां पे पहुंच जाइएगा, इस प्रकार से अपने रिजल्ट को यहां पे ये लिंक पे, फिर यहां पे आपका लिंक आ जाएगा, इस प्रकार से क्लिक करके देख सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तो अब हम लोग यहां पे तीसरा तरीका के बारे में बात करते हैं, और तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका है। इस तरीका को अपना करके आप लोग अपने रिजल्ट को आसानी से देख सकते हैं। देखिए, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द पीसीएम विजन, ठीक है, इस पे आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट को दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका जो रिजल्ट आने वाला था, ये रिजल्ट आपका आने वाला था, तो उससे पहले ही मैंने यहाँ पे आपका कल ही जो अपडेट आया हुआ था उसका यहाँ पे देखिए भेज दिया था PDF। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट आने के 5 घंटा पहले देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिजल्ट का लिंक दे दिया है क्लास 10 का, ठीक है। क्या करना है, रिजल्ट जैसे ही आएगा सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। पहले इसको आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और तो व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने ये लिंक को दे दिया है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और सर्च कर सकते हैं द पीसीएम विजन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है। तो इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, जैसे रिजल्ट जारी होगा आपके यहाँ पे जो आपका साइन इन दिखा रहा है ना, साइन इन नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट वहाँ पे आपका रिजल्ट वाला सेक्शन खुल करके आ जाएगा, वहाँ पे आपको रोल कोड और रोल नंबर डालिएगा, रिजल्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यही आपका अपडेट था, मतलब यही आपका तरीका, आखिरी तरीका, सबसे आसान तरीका था। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग अपने रिजल्ट को इस चैनल के माध्यम से जरूर भेजिएगा, जिस भी विद्यार्थी का रिजल्ट बेहतर रहेगा, ठीक है, उसको हमारे तरफ टीम की तरफ से उसके घर जाकर के पुरस्कृत किया जाएगा, तो कुछ ना कुछ बेहतर उसे जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने रिजल्ट को ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर भेजिएगा, तो नहीं चेक कर पा रहे तो इस पर मैसेज करके रोल नंबर, रोल कोड भेज दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो आपका क्लास 11 का एग्जाम है, मतलब तैयारी है, उसका कंप्लीट यहां पे आपका हो सकता है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।